HTML. Today we have taken a different kind of question. जिसमें हमारे पास एक वेब पेज है. I have written the contents of the web page. Heading ली है मैंने Dances of India. There is a paragraph. उसके बाद एक टेबल लिया है और एक लिस्ट बनाई है जिसमें आपके पास लिंक है. किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं? एक तो वे है कि आपको इस तरीके के आउटपुट के लिए दे आस्क फॉर यू टू राइट द सोर्स कोड. आप सोर्स कोड लिखिए. दूसरा है, आपको एक वेब पेज दिया होगा. यू हैव टू आइडेंटिफाई 5 or 10 HTML टैग्स दैट यू हैव यूज्ड इन दिस वेब पेज. जो भी वेब पेज आपको प्रोवाइडेड है उसमें दिए हुए कोई 10 HTML के टैग्स आप बताएं. तो आपको वेब पेज देख के ये पता लगना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर की है तो उसमें कौन सा टैग यूज किया होगा. आज हम ये डिस्कस करेंगे. हमारा ये वेब पेज है, ओके. इसका बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है येलो. अब इनको यूज करके आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से HTML टैग यूज किए हुए हैं. उसका क्राइटेरिया ये है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक फर्स्ट स्टेप. ठीक है, सबसे पहली लाइन जो है आपकी, उसमें कौन सा HTML टैग लगा होगा. जैसा कि आपको वेब पेज HTML में दिया है तो ऑब्वियसली यू नो कि HTML हेड, टाइटल और बॉडी, ये चारों टैग्स अवेलेबल होंगे. तो हम ये टैग्स को पहले लिख देंगे, HTML हेड, टाइटल और बॉडी. साथ ही साथ यू हैव टू टेल कि ये जो टैग्स है वो क्या काम करते हैं. HTML टैग के डिस्क्रिप्शन में यू कैन राइट, दिस टैग एक्चुअली आइडेंटिफाइज दैट द वेब पेज क्रिएटेड बाय यूजिंग द लैंग्वेज HTML एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट टैग ऑफ एनी वेब पेज. ओके, नाउ हेड टैग इज यूज्ड टू ऐड द हेडिंग इन अ वेब पेज. टाइटल इज यूज टू गिव द हेडिंग इन अ टाइटल बार. जो टाइटल बार आपके पास यहाँ पे आता है, इसमें आपके पास जो हेडिंग देनी है टाइटल बार में, उसके लिए वी कैन यूज टाइटल. एंड बॉडी टैग इज यूज टू अप्लाई ऑल द रिमेनिंग टैग्स इन अ वेब पेज. ओके, ये चार टैग्स हमारे फर्स्ट. आप देख रहे हैं मैंने इसको डबल किया हुआ है, मतलब जो लिखा है, दैट मीन्स आई हैव यूज्ड बोल्ड टैग. ये जो आपके पास आउटपुट में आ रहा है ये थोड़ा ब्रॉडर फॉर्म में आ रहा है. तो कोई चीज ब्रॉड कैसे होगी, थिकनेस कैसे बढ़ेगी अगर हम उसमें बोल्ड टैग लगाए. तो नेक्स्ट टैग इज बोल्ड बी, एंड इन डिस्क्रिप्शन यू कैन राइट दिस टैग इज यू यूज टू मेक द टेक्स्ट लुक मोर थिकर, मोर बोल्डर. ओके, नेक्स्ट यू कैन सी कि आपका जो फॉन्ट है उसका साइज भी बाकी टेक्स्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा है. तो हमारे पास हेडिंग के 6 स्टाइल्स होते हैं, H1 से H6 तक. आप इसमें से H6 सबसे स्मॉलेस्ट है, H1 सबसे लार्जेस्ट है. तो आप इसमें H1 या H2 टैग दे सकते हैं ये बताने के लिए कि हेडिंग का साइज जो है वो दैट इज क्वाइट बिगर. सो नेक्स्ट टैग इज H1. दिस टैग रिप्रेजेंट्स दैट द हेडिंग ऑफ द फॉन्ट इज रिटन इन अ बिगर फॉन्ट. ओके, इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है. सो नेक्स्ट टैग इज अंडरलाइन. दिस टैग इज यूज टू अंडरलाइन एनी टेक्स्ट और एनी स्टेटमेंट. ओके, हमें 10 आइडेंटिफाई करने हैं, वी हैव डन 7 अभी तक हो गए और अब तक हमने सिर्फ एक ही लाइन दी है. नेक्स्ट आप देख रहे हैं देयर इज अ स्पेस. यहाँ पे स्पेस है, तो स्पेस कौन से टैग से दिया जाता है? लाइन ब्रेक से. जिसके लिए नेक्स्ट टैग है हमारे पास BR tag is used to give the line. अब आ गया paragraph. Paragraph tag कहाँ से शुरू होगा? P tag से. This is used to create a paragraph. आप उसके बाद ये भी लिख सकते हैं, this is a pair tag. It starts with the tag P, ends with the tag slash. Next you can see there is a table. उसमें दो आपके पास columns बनाए हुए हैं और तीन rows हैं. तो टेबल अगर आपको वेब पेज में ऐड करना है तो विच टैग यू कैन यूज? टेबल टैग.
जब भी कोई वेब पेज क्रिएट होगा उसके साथ आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती है, उस इंस्ट्रक्शन में आपको बताया होता है कि ये अंडरलाइन किया हुआ है या लिंक। अगर अंडरलाइन किया हुआ है तो इंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं लिखा होगा, अगर लिंक है तो 100% इंस्ट्रक्शन में दे विल प्रोवाइड दैट द बॉडी आइटम बॉडी सी कॉन्टैक्ट जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हो इज अंडरलाइन इज लिंक एंड द लिंक्ड विद द वेब पेज, उस वेब पेज का नाम भी दिया होगा कि किससे इसको लिंक किया हुआ है। तो वहीं से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लिंकिंग यूज की कर रहे हैं, उसके लिए टैग होता है एंकर, एंकर टैग इज यूज टू क्रिएट द लिंक। ओके, अब टेक्स्ट किसी न किसी फॉन्ट में लिखा हुआ है, ऑब्वियसली यू हैव द फॉन्ट टैग जिसमें आपने एट्रिब्यूट यूज किया होगा साइज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट, जिसमें आपको कोई भी वेब पेज के थ्रू यू हैव टू आइडेंटिफाई द टैग यूज इन द पर्टिकुलर वेब पेज। अच्छा, एक चीज आई फॉरगॉट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड कलर आपको येलो दिया हुआ है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं अगर आपको एट्रीब्यूट्स, वैसे तो मैं बॉडी टैग यूज कर चुकी हूँ, अगर आपको एट्रीब्यूट्स भी पूछे जाए तो आप ये लिख सकते हैं बीजी कलर। ओके, द टैग्स एंड द एट्रीब्यूट्स दैट आर यूज्ड इन अ पर्टिकुलर वेब पेज। अगर आपके पास HTML हेड टाइटल बॉडी को स्किप करने के बाद 10 टैग्स बन जाते हैं सो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए यू शुड राइट ऑल दिस। रीजन भी कि अगर कोई वेब पेज HTML में बना हुआ है तो ये चार तो ऑब्वियस टैग्स हैं, ये तो होंगे ही होंगे, कोई भी ऐसा वेब पेज नहीं हो सकता जहां पे